जब लगेगा मम्मी पापा लोग हो गए थे यार, एकदम से सुबह का मौसम है कुछ ऐसा, चारों ओर हरियाली है और सुबह एकदम धूप आ गई थी, फिर उसके बाद फिर से बादल आ गए। अपने वैली ऑफ फ्लावर के जो कपड़े थे कल रात धोए मम्मी ने, और अभी भी सूखी रहे गीले ही, तो अब दिनों बारिश आएगी तो फिर से गीले जाएंगे। वैसे बगल में चाची को बुला हुआ है तो खूब सारे गनेल हुए हैं गाँव में हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ गनेल क्या होता है। पहले अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये देखो ये होता है गनेल। ये अगर घी संक्रांति के दिन कोई घी नहीं खाता ना तो दिन ये बन जाता है फिर अगले जन्म में, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसे खूब खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं देखिए ये, और ऐसे ही उधर भी खिले हुए हैं, ये पूरी लगी हुई अरबी। तो फिलहाल सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मैंने आपको बोला था पिछले वाले ब्लॉग में कि हम कहीं एक्साइटिंग प्लेस पर जाने वाले हैं, तो आज का जो मतलब हमारा टूर है मतलब, तो हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से आपके द्वारहाट से अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जागेश्वर धाम जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो आज देखेंगे द्वारहाट से लेके जागेश्वर का रास्ता कितना खूबसूरत है, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हम जागेश्वर मंदिर भी दिखाएंगे। तो यार ब्लॉग देखना क्योंकि इसमें हम बहुत खूबसूरत गाँव से होकर गुजरने वाले हैं, सोमेश्वर, बिंता और कोसी, ये हम निकलते हुए हम लोग पहुंचेंगे आपके जागेश्वर मंदिर। तो बहुत खूबसूरत ब्लॉग है क्योंकि इस रास्ते की खूबसूरती वो है जो आप फील नहीं कर सकते हो, वो आपको अपने कैमरे में दिखाऊंगा। खड़ी की थी गाड़ी अपनी, दोनों गैराज किराए पर लग गए हैं और ये वाला जो है चेन से, तो हम यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं जब भी आते हैं। तो फिलहाल मॉर्निंग के 8 बज गए हैं और मौसम ऐसा है कुछ, तो निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से जागेश्वर धाम के लिए। तो बोलते हैं जय श्री राम, जय द्वारकाधीश माता, जय महादेव, हमारी यात्रा को सफल करना। तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये रास्ता काफी खूबसूरत है, तो हम लोग अभी बिंदा क्रॉस करने के बाद हम लोग आए हैं लोध में। तो ये लोध और सोमेश्वर के बीच का एरिया है, सोमेश्वर का भी 7 किलोमीटर दूर है। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता इतना खूबसूरत है तो आपका ये रास्ता पूरा मन मोहलेगा। और दोनों ओर देखिए धान के खेत हैं, अभी ने रोपाई स्टार्ट की है नहीं की है ना, वरना यहाँ पर रोपाई स्टार्ट होती है बरसात के बाद। तो यहाँ पर ये लोग मतलब खेती बहुत अच्छी करते हैं, और बहुत मतलब क्या है कि चारों घाटी के बीच वाला जो व्यू है इस साइड का, तो बहुत खूबसूरत आता है इसमें। तो हमने क्रॉस किया सोमेश्वर, अभी कोसी यहाँ से है करीब 20 किलोमीटर। सोमेश्वर क्रॉस करने के बाद ये रास्ता पूरा जाएगा कोसी नदी के किनारे किनारे, नीचे बह रही है कोसी नदी जिसका उद्गम स्थल है कौसानी में काटली गांव। तो वहाँ से ये नदी आती है और ये नदी भी रामनगर जाती है, फिर ये नदी रामनगर में रामनगर के हाथ इसका मतलब कोलैप्स आता है कालागढ़ पे। तो ये नदी जा रही है कोसी नदी, काफ़ी बड़ा बड़ी नदी है, और कोसी नदी को बिहार का बोलते हैं ना, बिहार का शायद साफ ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बड़ी नदी है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये नदी जाएगी यहाँ से रामनगर तक, और इसमें बहुत सारे बीच में डैम बने हुए हैं छोटे छोटे। तो हम लोग को घर से निकले हो गए 1 घंटे, और हमारे साथ घर से 2 मेहमान और जुड़ गए हैं, अभी कुछ देर बाद दिखाते हैं 2 मेहमान कौन है। तो हम लोग पहुंच गए हैं कोसी, तो कोसी अपने अंदर पकौड़ी रहते के लिए काफी फेमस है, और साथ में यहाँ पर है एक कटारमल का सूर्य मंदिर। मतलब इंडिया में सूर्य मंदिर सिर्फ 2 हैं बताते हैं, कटारमल में है एक कोणार्क में है, तो नाम कौन से आता है। तो ये नीचे है कोसी नदी बह रही है, तो इसका नाम कोसी है, और यहाँ पर एक गोविंद बल्लभ पंत की एक कोई मतलब संस्थान भी है यहाँ पे एक, तो वो भी मतलब काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अल्मोड़ा की ओर को, वो रोड चलेगी हवलबाग की ओर को।
तो हम लोग पहुंच गए अल्मोड़ा। हमको पूरा 2 घंटे लगे अल्मोड़ा पहुंचने में, और 2 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए अल्मोड़ा। देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर सामने दिख रहा है आपको, इतना प्यारा लगता है ना यहाँ से। अभी हमें शालीधार पे चल रहे हैं। हम लोग शहर के अंदर एंट्री नहीं करने वाले, क्योंकि शहर के अंदर एंट्री करेंगे ना अगर तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। तो हम वाया एनटीटी रोड सीधे हम लोग जागेश्वर मंदिर की ओर जाएंगे। अगर वापसी में टाइम मिलेगा तब मैं आपको शहर के अंदर से लेके आऊँगा, लेकिन शहर के अंदर ट्रैफिक इतना है। अल्मोड़ा शहर को पूरा क्रॉस करने में, मतलब पूरा गोला गोल घेरा मारने में, यहाँ से जाऊँगा धारणा होते तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो एनटीटी क्रॉस करने गया, चितई मंदिर भी हमने किया क्रॉस। तो इसके बाद हम लोग आ गए आपके पिथौरागढ़ वाले हाईवे पे। अब पिथौरागढ़ वाले रास्ते पे हम लोग इसमें पन्वानौला आएगा, पहले पन्वानौला क्रॉस करेंगे। पन्वानौला दनिया पनार वाला ये रास्ता है, और इसका रास्ता मतलब क्या है कि ये रास्ता पूरा सिंगल है, तो यहाँ पर थोड़ी गाड़ी वह चलानी पड़ती है थोड़ा सोच समझ के और हल्के, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ तेज चलती हैं बहुत स्पीड पर, और एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ बहुत होती हैं। क्योंकि ये रोड जो है ना सिर्फ एक मतलब बस वस के लिए लायक है। जैसे सामने देखो बस आ गई, तो मैं अभी से हॉर्न बजा रहा है, तो मेरे को उसको पास देने के लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। ये तो इतना ही रास्ता है, देखो जितना ट्रक और बस आ रही है ना, बस इतना ही रास्ता है। देखिए अब ऐसे लगातार गाड़ी आती है, बहुत तेज़ स्पीड में आती है। बस में यही ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे कि आपको गाड़ी बिल्कुल आराम से चलानी है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। अगर आपको पहाड़ में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस रहते हैं तो ये तो अपनी साइड चलते हैं। लास्ट में क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा भी दाएं बाएं हो गया तो फिर गाड़ी लगने की संभावना है। तो पन्वानौला से क्रॉस करते ही करीब 4-5 किलोमीटर ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, जागेश्वर 3 किलोमीटर और पिथौरागढ़ 84 किलोमीटर यहाँ पर। तो यहाँ से आपको लेफ्ट गाड़ी मोड़नी है और आप जागेश्वर धाम के अंदर इंटर हो जाएंगे। अभी सावन महीना चल रहा है तो मे बी वहाँ पर भीड़ बहुत है शायद। और देखिए पहले यहाँ पर बहुत सारे आपके होटल्स होम स्टे वगैरह बहुत सारे खुल चुके हैं, तो आप अल्मोड़ा अगर नहीं रहना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ रहते तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, और आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही प्राइस में आपको होम स्टे और होटल आपको मिल जाएंगे। तो रास्ता है काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि ये देवदार के पेड़ों के बीच से जाने वाला रास्ता, तो अभी आगे आके और रास्ता आपको दिखाऊंगा। देखिए सामने आप मैं बोला था ना होटल वगैरह है, तो सामने देखिए बहुत सारे होटल बने हुए हैं। ये देखिए द ग्रीन विलेज इको रेस्टोरेंट, भारत रेसिडेंसी, ऐसे करके सामने बिल्कुल बहुत सारे गए हैं। देखिए ये सब होम स्टे हैं। अभी क्या होता है कि यहाँ पे विंटर्स में बर्फ़ गिर जाती है, तब भी आजकल एक हिल स्टेशन टाइप का बना हुआ है ऊपर, साथ में आप जागेश्वर आ सकते हैं आराम से। कभी भी ये आपके 12 महीने खुला रहता है मंदिर। तो देखिए ये मैं जो आपको बता था देवदार का बहुत खूबसूरत रास्ता है, तो मंदिर के अंदर जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक ये रास्ता पूरा ऐसे देवदार का है और काफ़ी खूबसूरत है। ये भी मंदिर प्राचीन मंदिर समूह है, अभी इससे आगे है जागेश्वर मंदिर। अभी मैंने आज कहाँ तक पार्किंग मिलेगी हम लोग को, अभी तो गाड़ी अंदर जाने दे रहे हैं, वरना मोस्टली क्या होता है जब भीड़ ज़्यादा होती है तो गाड़ी को यहीं रोक दिया जाता है बाहर ही। यहाँ से आगे आपको पहले जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी आपके गेस्ट हाउस हैं, और ये रास्ता देखो आप कितना प्यारा है, इतना खूबसूरत रास्ता कहाँ देखने को मिलता है। देखिए इतने प्यारे देवदार के पेड़ है। मेहमान था ना वो, ये दो थे, ये बड़ी दीदी मैं छोटी वाली दीदी, और ये हमारा फनी भांजा, ये हमारा फनी भांजा है। फनी भांजे को आपने पहले भी देखा होगा ब्लॉग में, बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो, बोल दो हाँ। और मेरे मामा के चैनल को आसमान में पहुंचा दो। अब यहाँ से तुम हमें दोनों ब्लॉग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए जागेश्वर धाम, पार्किंग यहाँ पे है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जागेश्वर धाम, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर लोग बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आदि ब्लॉग के साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आदि ब्लॉग के साथ, तब तक जय जय होमी, जय उत्तराखंड।